चंपा चंपा चंपा, नो वन्स ओपनिंग द गेट. डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स 12 एम इन द मॉर्निंग एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ. सो लेट्स रिवाइंड बैक. सो यार, यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि अब मेडिकल कॉलेजेस की लाइफ कैसी होती है. सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, रात में लाइफ कितना अच्छा होगा, सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, टॉकिंग अंधेरे में. दो मैंने आज तक खुद कभी ये चीज़ करके नहीं देखी है, बट ठीक है. सो आई थॉट आई शुड स्टॉप बिंग हिपोक्रेट. इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, चलती हूँ, मैं खुद एक्सप्लोर करके देखती हूँ कि रात में ये मेडिकल कॉलेज कैसा दिखता है. ऑल्सो रात के 12 बजे हैं, वीडियो के अंदर पब्लिकली मैंने बता दिया है, तो नाउ यू गाइज कैन इमेजिन द सिचुएशन. मेरे पापा से मुझे कितनी डांट पड़ने वाली है. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिक्वेस्ट कर देना यार, सॉरी पापा. ठीक है, ऑल्सो एनीथिंग फॉर यू गाइज. सो लेट्स गो. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck. सो बेसिकली अभी वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ माई हॉस्टल. जो सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग है, दैट इज़ फॉर फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट्स. थोड़ा सा अलग रहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को रखते हैं. देन उसके बाद तो सब कुछ, जो नीचे वाले दोनों तीनों फ्लोर हैं उस पर तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है. तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मेरा फ्लोर जो था वो सबसे ऊपर वाला था. अभी सबसे ग्राउंड फ्लोर पर मैं आ गई हूँ. सो उधर में बॉयज़ हॉस्टल है एंड दिस इज़ नाइट शेल्टर, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, तो पेशेंट के साथ कोई भी अगर रहने आया है तो वो लोग नाइट शेल्टर में यहाँ पे रह सकते हैं, राइट. ऑल्सो मैं लाइक, जब मैं फर्स्ट टाइम के कॉलेज में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे हॉस्टल पर लिखा नहीं है गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल. सो ऑलमोस्ट हम लोग बॉयज़ हॉस्टल में चले गए थे एंड वहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड वी वर लाइक अबाउट टू एंटर इन द बॉयज़ हॉस्टल. तो अच्छे से हो जाता हमारा, बट ठीक है, हम लोग बच गए. वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिख गया. सो दैट्स इट. अब आगे चलते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक कैंपस वाला एरिया, नॉट कैंपस एग्जैक्टली, हॉस्टल वाला एरिया. उधर जो है मेडिकल कॉलेजेस का कैंपस इज़ ऑल अबाउट लाइक हॉस्पिटल्स एंड ऑल. इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत बिल्डिंग्स ये सब होगा, तो नहीं. कैंपस के अंदर एवरीथिंग इज़ लाइक इधर हॉस्पिटल, दैट्स इट, पेशेंट्स हॉस्पिटल, दैट्स इट. ओके लेट्स गो. फट गई ना, एडिटिंग सीख लिया अब हमने. ओके फाइन, कम दिस प्लेस. इधर हम लोग का बेसिकली क्या रहता है, फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे हो तो बॉयज़ उधर से आ जाते हैं, गर्ल्स इधर से आ जाते हैं, तो यूजुअली वी सेलिब्रेट हेयर. या फिर कई बार ऐसे ही बैठ के आप लोग लाइक यू कैन सिट हेयर, नो, अच्छा खासा म्यूज़िक चला के तेज, नो वन इज़ देयर. ग्रुप में इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 7-8 पीपल, जस्ट प्ले द म्यूज़िक, ईट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू. सो कैंपस लाइफ इज़ फन. यू वॉन्ट एडमिशन? हे, नीट क्लियर किया कि नहीं किया? नीट क्लियर किया कि नहीं किया? पता नहीं नीट कौन से बैच है. जूनियर हाँ, कम हेयर. नहीं आ रहा यार. सो हेयर वी आर इन फ्रंट ऑफ द क्लिनिकल बिल्डिंग. मतलब आप लोग, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अभी 1:30 बज गया है, तो अभी भी ऑलमोस्ट अभी लाइट्स ऑन हैं, डॉक्टर्स आर वर्किंग, ऑफ कोर्स पेशेंट्स तो हैं ही. दो चीज़ें यहाँ पर हैं. पहली चीज़ तो आप सभी लोग सोच रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और हम लोगों से सुबह अलार्म बज के, जितना बजे अलार्म बजता है उसमें हमसे उठा भी नहीं जाता है. किसी भी टाइम जब आप डॉक्टर बनोगे, आपको किसी भी टाइम उठना पड़ेगा पेशेंट्स के लिए. रात रात भर काम करना पड़ेगा, कई बार पूरा 24 आवर लॉन्ग शिफ्ट हम लोग का यहाँ पर होता है, राइट. दूसरी चीज़ कि जब आप इस कैंपस के अंदर घूमते हो ना, तब आपको फील होता है कि आप सो रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो लाइफ में, और यहाँ पे कोई ना कोई अपनी लाइफ के साथ थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है. किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. सो ठीक है, मतलब हर टाइम पे तो हम लोग उनके ही बारे में सोच के सीरियस नहीं हो सकते हैं. हम वी डू हैव अ लाइफ टू. हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं, बट यू नीड टू थिंक कि आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है. यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर. सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, दैट्स इट. एंड सो फाइनली वी आर एट द मातृमा. बेसिकली जितनी भी एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं.
वैसे मतलब मैंने आपको ज़्यादा वो नहीं दिखाया है क्योंकि मतलब इट्स हॉस्पिटल एरिया एंड पेशेंट्स आर देयर, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ देम. ऑल्सो जितने भी यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी जगह हैं जो दिन में ओपन रहती है, लेकिन इमरजेंसी एंड ऑल जो चीज़ें रात में ओपन रहती है वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं. अगर आप बोलोगे तो किसी दिन पूरे के पूरे उसका टूर भी हम लोग कर लेंगे. बाकी इधर से जैसे ही हम जाते हैं तो उधर हम लोगों का जो मेन बिल्डिंग है हमारे कॉलेज का बिल्डिंग वो यहाँ पर होता है. ठीक है, सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का मतलब कैंपस जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आके एक अलग टाइप का कैंपस होगा बिल्डिंग्स एंड ऑल जैसे नॉर्मल कॉलेज के अंदर होता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज यू विल बी हैविंग हॉस्पिटल का बिल्डिंग्स. थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर से पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हॉस्पिटल का बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर कैंपस, राइट? सो हॉस्टल हमने देख लिया, देन हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स हमने देख ली, मेन कॉलेज का बिल्डिंग हमने देख लिया, दैट्स इट. वो भी रात को 1 बजे के आसपास. ऑल्सो सिनेमेटिक सीन्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे. So if you like the video, make sure to subscribe the channel. Also do hit the like button and jitni bhi medical college se related videos hoti hain wo hum log is channel pe dalte rehte hain. So that's it. Thank you so much everyone. Bye bye, take care, keep up awesome.